संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि अदानी प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए या सुप्रीम कोर्ट के CJI की देखरेख में इस मामले की जांच हो। इसी मुद्दे पर पहले दोनों सदनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले में विपक्ष को सरकार के खिलाफ एकजुट होने का मौका दे दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कहा कि करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की गाड़ी कमाई खतरे में है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले तक विपक्ष के पास केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्टी चीन की घुसपैठ को लेकर मुखर थी। सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष किसी एक मंच पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जब श्रीनगर में संपन्न हुई तो वहां लगभग 21 दलों को निमंत्रण भेजा गया था। तब वहां पहुंचने वाली पार्टियों की संख्या दर्जन भर तक नहीं पहुंच सकी। इसे लेकर भाजपा का चेहरा खिल उठा था। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने विपक्ष को एकजुट होने का अवसर प्रदान कर दिया है। धीरे धीरे विपक्ष एकजुट हो रहा है। गुरुवार को इस मामले की जांच को लेकर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। बतौर तिवारी, सवाल केवल एक प्रमोटर के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता में कहा, LIC और SBI में जमा हिस्से को प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समूह के हवाले कर दिया जिस पर इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड का आरोप लगा है। करोड़ों भारतीयों की जमा पूंजी डुबाने में साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कब होगी? मोदी सरकार ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर ऐसे चुप्पी साधी है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। PM को कम से कम भारत के निवेशकों, जिसमें LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाता धारक शामिल हैं, उन्हें धोखा मत दीजिए। गुरुवार को दोनों सदनों की कार्रवाई से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि अमेरिका की प्रतिष्ठित हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अदानी समूह पर इस देश के अब तक के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में 42 गुना ओवरवैल्यूड शेयर, डेब्ट फ्यूल्ड बिजनेस, अदानी परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर मॉरिशस, UAE और कैरेबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में बेनामी शेल कंपनियों के माध्यम से एक विशाल माया जाल द्वारा अरबों खरबों के काले धन का खुलासा हुआ है। इसमें इनसाइडर ट्रेनिंग और स्कॉट मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप लगे हैं। LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों में अदानी समूह का बेहद जोखिम भरा लेन देन है। मोदी सरकार द्वारा अदानी समूह की कंपनी में इन संस्थानों का निवेश किया गया है। अदानी समूह की कंपनी में LIC की कुल हिस्सेदारी बीमा कंपनी के AUM के 1% से भी कम है। वहीं अदानी समूह की अलग अलग कंपनियों की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस में LIC की हिस्सेदारी 4.23% है। अदानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 5.96% पहुंच गई है। अदानी ट्रांसमिशन में LIC की शेयर धारिता 2.42% से बढ़कर 3.65% हो गई है। अदानी ग्रीन एनर्जी में यह हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.28% हो चुकी है। LIC का आधिकारिक रूप से कहना है कि उनका अदानी में इक्विटी एक्सपोजर 46,142 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर गिरने के सिलसिले में गुरुवार तक LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।